वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। विद्यार्थियों, अर्थमेटिक की नेक्स्ट क्लास, अंकगणित की अगली क्लास आपके सामने प्रस्तुत है और अंकगणित में हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको नंबर सिस्टम, संख्याओं पर संक्रियाएं। बहुत आसान से शब्दों से शुरू करते हुए धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ लेके जाएंगे ताकि सब चीजें आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आज अगली क्लास में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। पहला सवाल क्या कहता है? कहता है किसी प्राकृत संख्या n के लिए व्यंजक 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 · (n×n+) का मान कितना होगा? प्यारे बच्चों, ये आपको कह रहा है कुछ इस तरीके से कि 1/1 × 2, ये डॉट का मतलब है इंटू, प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 · (n×n+1). अगर इस सवाल में आप देखें, इस सवाल को आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात दिखाई देगी कि 1 × 2 में, फिर इस 2 × 3 में, फिर 3 × 4 में, 4 × 5 में, 5 × 6 में। यानी कि जो नंबर यहां लिख रहा है उसका एक अगला लिख रहा, जो नंबर यहां लिख रहा उसका एक अगला लिख रहा। हाँ, ये मल्टीप्लाई यहां से डिसाइड होगा कि ये गुणा का निशान है। देख, n×(n+1) में हो रही है, यहां से डिसाइड होगा कि ये गुणा का निशान है, पॉइंट का नहीं। किसका निशान है? गुणा का। अब इसको कैसे हम लोग करते हैं, तो बेसिक मेथड इसका मैं समझाता हूं आपको। बेसिक क्या मेथड है, जरा ध्यान से सीखें। डियर स्टूडेंट, इसको, इसका मीनिंग है 1/2, इसका मीनिंग है 1/6, इसका मीनिंग है 1/12 · (n×n+1). लेकिन हम इस सवाल को ऐसे हल नहीं कर सकते, इसमें हमें कुछ लॉजिक ढूंढना पड़ेगा जिससे चीजें कैंसिल हो जाए। ठीक, हमारे पास कोई मेथड नहीं है इसको। अगर वो रख भी दे या नंबर भी रख दे तो भी नहीं हम कुछ बता सकते, समझ रहे हैं बात? तो हमें कुछ इसमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। इसमें लॉजिक बाय द वे है क्या, तो जरा उस पर चर्चा करता हूं। इस बात को अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 1 − 1/2, इस बात को कुछ मैं अगर ऐसे लिख दूं, 1/2 − 1/3, इस बात को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 1/3 − 1/4, इस बात को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 1/(n−1/n+1), तो आप देखेंगे इस बात को ही तो लिखा मैंने ऐसे, 2 ही कम 2 में से 1 गया, 1/2 ही आया गया। इसको देखोगे 3 ही कम 2 ही कम 3 में तो 2 जाएगा 1 और 3 × 6, यानी के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, राइट? तो आप क्या करें, +1/2 − 1/2 + (+1/3 − 1/4 − 1/4 + (+1/(n−1/n) कैंसिल। इसका मतलब बीच बीच की सब चीजें क्या होगी, कैंसिल होगी। आपके पास बच गया 1 − 1/(n+1)। क्लियर होगी बात बेटे? अब आप देखेंगे, ये इस सवाल के दृष्टि से समझा रहा हूं, यह बात n का व्यंजक, यानी कि जिसमें n का प्रयोग हुआ है उसको n का व्यंजक बोला है। 1 में से घट रहा है, किस में से घट रहा, 1 में से घट रहा, तो इसका मतलब यह बात हमेशा क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। तो इसलिए सवाल का उत्तर क्या देंगे, 1 से छोटा। क्लियर होगी बात? किसी बच्चे के समझने में कोई प्रॉब्लम लगी हो? इस बात का मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यस बेटा, इस बात का मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा इस तरह के क्वेश्चंस का, जरा ध्यान से सुनेंगे। (1/15 / 1/35 / 1/63 / 1/99
एक बटे 143। कहता है इसको सरलतम रूप में लाइए। कौन से रूप में लाइए? सरलतम रूप में लाइए। अगर हम लोग इसको जर्नली सोल्व करें तो ये मुश्किल काम है, लेकिन अगर इसको आप देखें कुछ ऐसे लिख सकते हो कि एक बटे 3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13। समझ में आई बात बच्चों? ओके, देखो बेटा, तो मैं आपको समझा रहा था कि सिचुएशन कुछ अगर ऐसी आ जाए तब आप क्या करोगे। तो इसके लिए एक तरीका सिखाता हूं मैं आपको। हेलो, ये और लेंथी भी हो सकता है, इसको आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यानपूर्वक तरीके से समझिए। तो यहां जो है ये और लेंथी भी हो सकता है, सवाल आगे और बढ़ा सकता हो। तो ऐसे सवाल को हम लोग एक सेकंड में कैसे हल करें, हमारे पास एक सेकंड का हल करने का समय है। एक तरीका तो ये है कि अब देखो 1/3 और 1/5 लिखोगे। अब वो जो पहला सवाल मैंने आपको पढ़ाया वहां लिखा था 1/1 − 1/2 लिखा था, 1/2 − 1/3 लिखा था, राइट। तो ये वैल्यू 1/6 आ रही थी, ये वैल्यू 1/2 आ रही थी। कैसे? 2 ही कम 2 में तो 1 गया 1/2, 3 ही कम 3, 2 ही कम 2, 3 में तो 2 गया 1/6 आता था, आता है नहीं। लेकिन यहाँ वैल्यू कितनी? 1/15 है। अगर इसको आप ऐसे लिखोगे कि 1/3 − 1/5 तो 5 ही कम 3 ही कम, तो आप देखोगे 2/15 होगा, कितना होगा, और जबकि आना क्या चाहिए 1/15। तो इसका मतलब ऐसे लिखने में तो समस्या है। अब ऐसे लिखने में समस्या है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, समझ रहे बात। लेकिन मैं आपको एक बड़ा आसान सा पैटर्न समझाऊंगा, उसको सीख लेना। अगर ऐसा सवाल कहीं भी आओ तो कैसे करोगे? प्रथम फैक्टर माइनस अंतिम फैक्टर बटे अंतर, ठीक है, अंतर देखे यू, 2 का ये सारे को अंतर, सारे को एक जैसे अंतर होगा, अंतर कितना यू है भैया? भाई वो तो तू जाने। अब हम लोग 1/3 − 1/13 अंतर कितने का होगा? अब हर बराबर करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ कितने से गुणा कर लो भाई? 13 थे, यहाँ ऊपर नीचे कितने तक कर लो? 3 थे, 13 में 3 गए 10/39/2। याद होगा ये बार की बार गुणा अंदर के अंदर गुणा, नहीं बेटे ध्यान से सीख, 10/39 × 2, 2 × 5 = 10, 5/39 इसका आंसर है। क्लियर होगी बात बेटे? है बेटे, कहां से? पहला फैक्टर और लास्ट फैक्टर, इसका अंतर कर लिया, इसमें तो घटाओगे घटाना लिखा, और बटे अंतर, अंतर कौन सा? इन दोनों नंबर के बीच में क्या अंतर है? देख 5 में 9 का 3, 7 में 5 के 2, 9 में 7 के 2, 11 में 9 के 2, यू अंतर, यानी कि यहां 2 लिखना। क्लियर होगी बात? अब देख किस्मत से घटाया इसका 10/39/2, मैन वाला बटे है यू, मैन वाले बटे तो नीचे 1 है, तो इसके नीचे 1 लगाओगे, बाहर की बाहर गुणा भीतर की भीतर गुणा, या बाहर की बाहर गुणा कर दी भीतर की भीतर गुणा, तो बस उसके बाद कैलकुलेट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट वन कर लो भैया, कर लो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल y/x। देखो एक बात सीख लो, आपको जब तक आप पे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने नहीं आएंगे नहीं तो आप गणित नहीं सीख सकते। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना सीख लो, रीडिंग हैबिट बढ़िया होनी चाहिए, रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। वो कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल y/x है, तो मैंने लिखा a गुणा b
बराबर वाई बाई एक्स, ए गुणा बी बराबर किसके, वाई बाई एक्स, पहली संख्या ए दूसरी बी वाई बाई एक्स। यदि एक संख्या एक्स बटे वाई स्क्वायर हो, ए का मान एक्स बटे वाई स्क्वायर गुणा बी बराबर वाई बटे एक्स, हमें किसका मान निकालना है बच्चों, बी का। तो आप देखें बी इज इक्वल टू वाई की पावर थ्री, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, दो। किसी को दिक्कत लगी हो बताओ, मेरे हिसाब से लगने वाला सवाल दिक्कत में आई। अगला सवाल, यस बेटे, यस बच्चे, अब आपकी स्क्रीन पर नया क्वेश्चन आया तो जरा ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नुकेरा तीन अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर चार अंकों की एक संख्या 13y7 प्राप्त होती है। नुकेरा जो 11 से विभक्त है, किससे विभक्त है, 11 से। कौन विभक्त है 11 से, ये 13y7 किससे विभक्त है, 11 से पूरा पूरा विभक्त होता है। तो मैं जो पहली क्लास आपको ली थी तो उसमें आप लोग ध्यान दे, मैंने एक बात पढ़ाई थी क्या, कि 13 से वह संख्या 11 से वह संख्या विभक्त होगी जिसके सम स्थानों पर स्थित अंकों एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 और 11 का गुणज आता हो, राइट ना। तो मैं आपको सिखाया था 7 और 3 10, और यहां कितने धरूं, 9 और 1 10, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 10 मतलब 10 जाएगा 0 हो जाती है कि नहीं, वाई की वैल्यू 9 होगी। बेटे समझ में आई कि नहीं, ये मैं पहली कक्षा में सिखाई थी बात, ये जब आपको 11 से काटने का रूल सिखा रहा था। ओके, अब 13 9 7 होगी वह संख्या, ये बात प्लस की दर्जा कहीं की हो जाएगी, माइनस की। 4x3 बराबर 13 9 7 में से 9 8 4 माइनस कर दो तो 4x3 इक्वल टू 4 1 3 आ जाएगा। x की सीध में क्या आ गया, 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, उसने पूछा x प्लस वाई का मान बताओ, तो 9 और 1 10। ये क्वेश्चन मैं आपको आर एस अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ, तो सभी बच्चे को पास आर एस अग्रवाल की बुक होनी चाहिए, उसमें से कर ले तो ज्यादा बेटर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यस बच्चे, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 1² + 2² + 3² · 10² = 385, और हमसे पूछे क्या वो 2² + 4² + 6² · 20² = ?? डियर बच्चों जरा ध्यान से सुनेंगे, जब आपको एक लाइन दे गणित में या किसी भी चीज में, रीजनिंग में नहीं पढ़ते आप, कहता है कपिल को ये कहा जाता तो कुमार को क्या कहा जाएगा, कपिल को LBQJMY कहा जाता है तो कुमार को क्या कहा जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। तो भैया फिर हम लोग उसमें लॉजिक किसका लगाते हैं, उनने कपिल को क्या कह रखा, उनने एकक बढ़ा रखे तो एकक बढ़ाकर लिखे, एक दो दो घटा रखे तो दो दो घटाकर लिखे, लिखते हैं कि नहीं ऐसे बच्चों, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो जब आपको एक इक्वेशन दे और दूसरी पूछे तो 100% किस इक्वेशन का प्रयोग आपको इसमें करना होगा, 100% इस इक्वेशन का प्रयोग आपको इसमें करना होगा। नहीं सीखे, अबे सीख गए क्या, ओके। अब मेरे बच्चे इसका मान अगर नु कह देनी एक्स है तो हमें एक्स में उत्तर लाना पड़ेगा, मान लेता हूं एक्स ही कह रहा हो तो भाई, तो इस लाइन को इस तरीके की कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे तालिम, बेटे 2 की पावर 2 × 1 की पावर 2 लिख सको, किसको, इसको, 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 2 का मान 4 हो, 2 की पावर 2 का मान 4, 1 की पावर 2 का मान 1, 4 × 4 ही आओगा, प्लस 4 की पावर 2 को 2 × 2 लिख सकते हो आप। देख 4 की पावर 2 का मान कितना हो, 16 हो कि नहीं, 2 की पावर 2 का मान 4 और 2 की पावर 2 का मान 4, 4 × 16 प्लस 2 × 2 × 3 / 2, 2 × 2 × 10 / 2, कुछ पिक्चर याद आई, अरे कुछ पिक्चर याद आई, पहली वाली क्लास याद आनी चाहती हैं क्या, कि इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो,
दो की गुणा इसमें, दो की दो की गुणा इसमें, दो की दो की गुणा इसमें, दो की दो की इसमें, तो हम दो की दो को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास एक की दो, दो की दो, तीन की दो और दस की दो बच जाएगी। हाँ बेटे कुछ प्रश्न था तेरा, समझ में आया? दोनों मत नहीं, दो की दो, दो की दो, दो की दो। देख पुत्र याद कर, मैं पहली लाइक क्लास में सिखा था, अगर कहीं ए बी ए सी ए डी ए ई कॉम लिख रहा तो ए को कॉमन ले लिए, बी जमा सी जमा डी जमा ई रह जाएगा। मैंने यहाँ सिखाई थी बात आपको, तो यहां से मैं दो की दो कॉमन ले लिया। इस हिस्से का मान क्या है x, और दो की दो का मान कितना चार, उत्तर कितना आएगा चार एक्स। लेकिन उसने मान इसका कितना दिया, तो चार गुणा 385 1540। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन, अगला सवाल। मेरे विचार से ये सवाल आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पढ़ा क्या? इसको हम लोग 64 की पावर 2 माइनस 36 की पावर 2 बराबर क्या कह रहा है, 20 ऐड कर रहा। याद है कोई फार्मूला पढ़ाया मैंने कभी आपको? कौन सा पढ़ाया? वर्गों का अंतर का फार्मूला पढ़ाया। किसका पढ़ाया? वर्गों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यानी कि 64 जमा 36 इंटू 64 नफी 36 बराबर किसके, 20 जेड के। 64 और 36 कितने होते हैं 100, 64 में 36 जाए कितने बच गए 28 बराबर 20 जेड, 20 बजे 100, जेड इजिकल टू किसके 140। कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में बात ना आई हो, बोलो। नंबर नेक्स्ट, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान से सीखेंगे। एक टॉपिक आएगा घातांक करणी, ठीक, उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहीं से मैं समझा के चलूंगा तो ध्यान से सीख लेना सवाल को, जो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कहता है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इजिकल टू 320 इजिकल टू 320 राइट बच्चों, अगर देखो ये जब हम मैं कोचिंग शुरू किया ना तो मेरे को कहा अध्यापक ने कि सर इसको, इस बच्चे इसको पढ़ करके दिखाओ, तो हम तो अपने जो मेथड है उसी से करेंगे। उसने कहा इसको हम लोग गो बैक मेथड से करेंगे, एक सेकंड में आपने लिए 5 मिनट और मैं कर देता हूँ इसको एक सेकंड में, हल बताओ जी कैसे कर दोगे। तो उन्होंने कहा गो बैक मेथड ये होता है कि ऑप्शन उठा के रख दो, एक्स का मान 7 7, यहाँ भी 7 रखा, यहाँ भी 7 रखा, इनका योग 320 आ जाएगा, तो इधर भी 320 इधर भी 320 कहना है उत्तर हल, इसको गो बैक मेथड बोल देते हो। भैया ये कुछ नहीं है, बकवास होती है। क्या होती है? बकवास। आपको क्या करना है, ध्यान से चीजें सीखनी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक। मैं अभी आगे चल के 2 सेकंड बाद में सवाल आने वाले हैं, ए की पावर एम गुणा ए की पावर अगर एन लिख रही है तो इसको क्या कहोगे आप, ए की पावर एम प्लस एन कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे बच्चे, कहोगे कि नहीं कहोगे बच्चे? इसको जब हम लोग ऐसे कह सकें तो इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं। अगर आप लोग देखोगे इसको 2 की पावर x गुणा 2 की पावर -1 कह सकते भाई, जब इसे तुम नून कह सको तो इसे हम नू भी तो कह सके। इस बात को 2 की पावर x गुणा 2 की पावर -1 लिख दिया हमने, प्लस इसे कुकर लिख दो बताइयो, 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 1 बराबर 320। अब इस लाइन में क्या कर सको तुम बताओ, दो कॉमन लोगे कि 2 की पावर x कॉमन, 2 की पावर x को कॉमन ले लोगे, आपके पास 2 की पावर -1 प्लस 2 बचेगा बराबर 320। अब मैं एक बात और सिखाऊंगा वो भी सीखो, यदि a की पावर m लिख रही है और इसे इधर ले आओ तो 1/a की पावर -m हो जाएगी, यानी कि अगर बेस को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो पावर के चिन्ह बदल जाते हैं। बेस को बदल दो तो पावर के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाली माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में। तो आप देखोगे इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 1/2 प्लस 2 बराबर 320, 2 × 4 = 5/2 गुणा 2 की पावर x बराबर 320।
पांच छंग तीस, पांच चौक बीस, दो की पावर एक्स बराबर 128, दो की पावर एक्स बराबर दो की पावर सात, बेस समान है घातों की तुलना करने पर एक्स बराबर सात, एक्स बराबर किसके सात। कोई दिक्कत लगी हो किसी बच्चे को बता, चलू आगे, उतार रहे आप लोग उतार लो, वीडियो रोक के उतार ली। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल आपसे मुलाकात करें।